मुझे वहाँ जाके पता चलेगा हम अंदर वीडियोग्राफी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग मंदिर पहुँच गए और मंदिर का जो नज़ारा पीछे आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये मंदिर 600 साल पुराना मंदिर है, पूरा मंदिर पिलर पे टिका हुआ है, कहीं पे भी दीवार नहीं है। आदिनाथ जी का स्टेचू है जो काफी खूबसूरत और बहुत ही चमकीला है। आप कैमरा को बंद करो। क्यों? सो आज हम निकलने वाले हैं रणकपुर और वहाँ पे हमने रिजॉर्ट बुक किया है और विद फैमिली, बहुत ही अच्छा स्थान है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी रणकपुर और जहाँ पर हमने एक रिजॉर्ट बुक किया और वहाँ पे विद फैमिली हम रुकेंगे और काफी अच्छा स्थान है। और सभी का इंट्रोडक्शन कराइए सर, कौन कौन है आज है। हेलो हेलो अपने हेलो और अभी नज़ारे बहुत अच्छे आ रहे हैं इसलिए आप देखिए उनको। सो अभी हम रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं और अब जस्ट खाना खाने वाले हैं, थोड़े थके हुए हैं और बहुत जल्दी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रणकपुर में क्या क्या अच्छा है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कभी यहाँ पे आएँ तो आप भी वो चीज़ें विजिट करें और मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ जो लोकेशन से वो बताऊँगा। ये है मेरी सिस्टर। हाई हाई एवरीवन, हम साथ में आए हैं यहाँ पे, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और अभी हम सब फिर से मिलेंगे एक साथ और बच्चा पार्टी कंटिन्यू है आपके साथ। मैं आपका दोस्त मिमी। और मैं आपका दोस्त अक्षय। और मैं आपका दोस्त आज्ञा। हाय। हम लोग अभी आए हुए रणकपुर डैम पे और ये बहुत ही अच्छा और खूबसूरत नज़ारा है। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब भी आप रणकपुर आएँ तो इस डैम को ज़रूर विजिट करें, खास करके शाम के टाइम बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है यहाँ पे। और मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा और खूबसूरत डैम है। सो अभी हम लोग रणकपुर आए हुए थे और अभी यहाँ पे हम लोग होटल में रुके हुए थे और बहुत ही अच्छा ये रिजॉर्ट है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हम यहाँ पे दीपावली मनाने के बाद में अच्छा सा वेकेशन एंजॉय करने आए। हमारे पास 2 दिन थे तो हमने फेस्टिवल भी अच्छे से एंजॉय किया और उसके बाद में हम यहाँ आए हैं। अभी हम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। रणकपुर मंदिर जैन टेम्पल है बेसिकली और यहाँ पे ये महाराणा कुंभा के टाइम पे बनवाया गया था। मुझे वहाँ जाके पता चलेगा हम अंदर वीडियोग्राफी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हेलो बच्चों, कैसा लगा आप सभी को? अच्छा लगा। तो आशा है यहाँ पे आप क्या कर रहे हो अभी? झूला झूल रहे हैं। दिन भर बस झूला झूलना ही रहता है, कुछ एंजॉय भी करोगे यहाँ पे? झूला ही झूलते रहोगे? आशा को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा मुझे बाथरूम, अच्छा लगा। और बाथरूम में क्या अच्छा लगा? बाथरूम में बाथरूम अच्छा लगा। अच्छा। नहाने में अच्छा लगा। और बेबी आपको? मुझे भी नहाने में अच्छा लगा और सोने में भी अच्छा लगा। अच्छा, और आपने परेशान अच्छा आपने सबको परेशान तो बहुत किया आपने यहाँ पे। हाँ, आपने भी आशय बहुत परेशान किया सबको। हाँ, मैं करूंगी। और दिया आपने? नहीं किया। आप गुड कर लो ना। और मानस आपने? नहीं किया। तो चलते मंदिर है ना? चले? अभी तो नहीं, चलो, अभी हमको झूला झूलना। झूला तो यार क्या है, झूला झूलना तो मजे होता है। आप कैमरा को बंद कर दो। बाय कर दो सभी। सो हम लोग अभी रणकपुर मंदिर पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। सो यहाँ पे खाने का भी रहता है, दिन में 11 बजे से लेके अराउंड 1 तक खाना मिलता है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है।
क्योंकि मैं जैन हॉस्टल्स में लगभग 6th class से 12th class तक रहा हूँ, मतलब 6 साल जैन बोर्डिंग में रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ आइडिया है। और मतलब यहाँ जो खाना होता है वो लहसुन और बिना प्याज का मिलता है और बहुत ही अच्छा और बहुत टेस्टी मिलता है। तो अभी हम लोग मंदिर पहुँच गए और मंदिर का जो नज़ारा हो पीछे आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और ये जैन तीर्थस्थल माना जाता है। और इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो मैं आपके सामने अभी कवर करने वाला हूँ कि क्या हिस्ट्री रही इस मंदिर के पीछे और क्या इसकी विशेषता है, सभी देखते हैं। सो ये मंदिर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं और अभी हम मंदिर में जाने वाले हैं, सो देखते हैं अंदर का नज़ारा। तो ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन बनाया हुआ है और ये बहुत ही पुराना और हमारा संस्कृति का प्रतीक है। सो बहुत अच्छी और खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई है यहाँ पे, अंदर की तरफ काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है यहाँ पे और बहुत सारे खंभे हैं यहाँ पे। कितने पिलर्स हैं यहाँ पे? सो 1400 पिलर्स बने हुए हैं, 1444 पिलर्स है, लाइक 1404 पिलर्स हैं यहाँ पे जिस पे मंदिर बना हुआ है। हाँ, शिल्पकारी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे हमारे साथ अमित शर्मा जी हैं जो इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं कि क्या यहाँ पे हिस्ट्री थी और क्या क्या हुआ जिसे इतना खूबसूरत मंदिर का निर्माण हुआ। सो अमित जी प्लीज़ बताइए। इस मंदिर का जो निर्माण है वो शेठ धरना शाह ने करवाया था, जो कि चित्तौड़ के राजा महाराणा कुंभा के मंत्री थे। ये मंदिर 600 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का काम 1433 में स्टार्ट हुआ था और 1496 में कंप्लीट हुआ था। 63 ईयर्स इस मंदिर को बनने में लगे थे। इस मंदिर के अंदर 1444 खंभे हैं और हर एक खंभे की डिज़ाइन डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है और सारे खंभे एक लाइन में। पूरा मंदिर पिलर पे टिका हुआ है, कहीं पे भी दीवार नहीं है। ये रायन का पेड़ है, इंग्लिश में बोलते हैं मिमोजा, ये भी 600 साल पुराना पेड़ है। जब मंदिर की फाउंडेशन खोदी गई थी, नींव खोदी गई थी, तब इसे डाला गया था। ये इस मंदिर का मेन शिखर, पूरा मंदिर मार्बल का बना हुआ है, जो मेन शिखर है वो ईंट और चुने का बना हुआ है। इसकी हाइट 102 फीट ऊंची है ग्राउंड से। ये सहस्त्रपणा पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। जब ये जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी एक कमट नाम के राक्षस ने इनके ऊपर जोर से बारिश कर दी थी ताकि इनकी तपस्या बंद हो जाए। इनकी तपस्या बंद नहीं हो इसलिए एक सांप आया और एक सांप के 1008 फण और फिर इनके ऊपर करके बैठ गए। फिर इनकी तपस्या पूरी हो गई। ये पूरा एक ही मार्बल की पीस से बना हुआ है, पूरी हाथ की कला या हाथों से बनाया हुआ पूरा। जैसे छोटे बच्चों का टीका लगा दे ताकि उसको नजर ना लगे, मंदिर को नजर ना लगे, इसलिए एक खंभा जाम उसके टेढ़ा किया गया है। अपन जब घर बनाते हैं तो घर की जो फाउंडेशन है नींव, वो मिट्टी पत्थर और पानी से भरते हैं। इस मंदिर की जो फाउंडेशन है वो पानी की जगह देसी घी का यूज किया है और मिट्टी पत्थर की जगह पंच धातु, सोना चांदी तांबा पीतल लोहा ये सब भरे गए। 33 मीटर गहराई है इसकी नहीं और 90,000 स्क्वायर फीट में मंदिर फैला हुआ है, तो अगर भूकंप आ जाए तो इस मंदिर को कुछ नहीं होता। इतिहास बोला आदिनाथ भगवान की जय। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया। आपने एक बार आपका नाम बताइए क्या है? अमित जी शर्मा ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपनी 18वीं पीढ़ी पे आप अपना ये काम कर रहे हैं और निशुल्क कर रहे हैं, इसके लिए हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इसी तरह से करते रहिए और हम जितने भी दर्शनार्थी हैं यहाँ पे इसका लाभ उठाते रहें। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जो आदिनाथ जी का स्टेचू है जो काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही चमकीला है और बहुत ही तेज वाला है। अभी हम जा रहे हैं भोजनशाला में। जब भी आप रणकपुर बाजार है तो एक बार खाना जरूर यहाँ पे खाएं। सो दो मिनट हमसे बात करते हैं। और खाने में क्या क्या है यहाँ पे मिलता है और क्या चार्जेस रहते हैं? सुबह नाश्ते का 50 रुपये है जी। खाकरा मिलता है, मूंग चाय पौवा, हर रोज मेन्यू अलग अलग होता है जी। चाय मिलती है, दोपहर में पूड़ी या रोटी, दाल चावल सब्जी जी और पापड़ जी जी। शाम को पाकरी खिचड़ी या दाल फ्राई जीरा रिसे से मिलता है जी। तो ये पूरा भोजनालय है जहाँ पर काफ़ी अच्छा भोजन मिलता है। जब भी आप रणकपुर आएँ तो यहाँ पे मंदिर में ही भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, तो यहाँ पे भोजन ज़रूर करें आप। तो क्या क्या बनाए? दाल चावल है, राजमा भी है, राजमा भी है, ओके, लौकी की सब्ज़ी भी है। सो एक बार थाली बताना। ओके,